Now, I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Amna Amjad. Thank you so much, Dr. Amna, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about hepatomegaly. Please, Dr. Amna Amjad. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। साइन एंड सिम्टोमेगैली एक्सप्लेन करूंगी। हेपेटोमेगैली के खुद से कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते, लेकिन अगर कोई भी दूसरी डिजीज इन्वॉल्व हो जाए तो हमें इसका भी पता चल जाता है। इसके खुद से कोई सिम्टम्स नहीं होते, लाइक हमारा थोड़ा सा पेट उभरा हुआ और वो बेस्टी में आ जाता है, इतना पता नहीं चलता कि ये हेपेटोमेगैली हो गई है, पेशेंट को भी फील नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर के पास किसी दूसरे साइन एंड सिम्टम्स के साथ जाएं और वो हमें एग्जामिन कर रहा हो और एग्जामिन करते करते वो देखे कि हमारा लीवर पाल्पेबल है, अमूमन लीवर पाल्पेबल नहीं होता, लेकिन अगर वो फील करे तो फिर एग्जामिन हो जाता है कि हमें हेपेटोमेगैली हुई है। और इसमें क्या होता है कि हमारे एब्डोमन की जो राइट साइड है वहां पे पेन होती है, बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है, टेंडरनेस फील होती है, और एब्डोमन का थोड़ा सा साइज राइट साइड से बड़ा हुआ होता है, बाज़ औक़ात रेडनेस भी हुई होती है, और ये स्वेलिंग पीछे की तरफ भी जा रही होती है, मतलब राइट साइड पे होती है। और अगर इसमें इस एपेटोमगैली के साथ जॉन्डिस भी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम सिम्टम्स में देखते हैं कि पेशेंट की आईज येलो हुई होती हैं, स्किन वाइट हुई होती है, पेशेंट फटीक फील करता है, मसल मसल एक होती है, जोड़ों में दर्द होती है, तो पेशेंट जो है ना वो इजीली ब्रूजिंग और ब्लीडिंग कर जाता है। इसमें ये क्यों करता है कि हमारे जो लीवर है वो हमारे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन जब हेपेटोमेगैली हो जाती है तो इसकी प्रोडक्शन जो है ये कम हो जाती है, तो इजीली ब्रूजिंग हो जाती है। फिर हम पेशेंट्स उसके यूरिन का कलर पूछते हैं, स्टूल का कलर पूछते हैं, वो बताता है कि यूरिन का कलर डार्क है, स्टूल का कलर पेल है, तो फिर हम थोड़ा एग्जामिन कर लेते हैं। फिर अगर तो नॉन अल्कोहलिक हो फैटी लीवर, तो पेशेंट की जो वेन्स है ना वो डायलेट हुई होती हैं, वो थोड़ा हमें फील हो रहा होता है कि इसके जो स्किन के नीचे वेन्स है ना वो डायलेट हुई हुई है। फिर पेशेंट जो है वो नोजिया फील करता है, उसको वॉमिटिंग होती रहती है, बुखार उसको रहता है, फिर उसको भूख नहीं लगती, मतलब अगर वो कुछ खाए तो वॉमिट कर देता है, और उसका हर टाइम पेट ऐसे फुल फुल रहता है, क्योंकि वो हेपेटोमेगैली जो है हमारा लीवर इनलार्ज हुआ होता है तो वो हमारे स्टमक के फंक्शंस को भी सप्रेस कर देता है, इसलिए पेशेंट को भूख भी नहीं लगती और ये सारी नौजिया वगैरह भी फील होता है। और अगर तो पेशेंट कुछ भी यूज नहीं कर रहा वेट लॉस के लिए, मतलब उसका वेट ठीक है तो वो कम नहीं करना चाह रहा ना वो कुछ यूज कर रहा है, फिर भी अनइंटेंशनली उसका वेट लूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको हेपेटोमेगैली, मतलब कुछ ना कुछ उसके प्रॉब्लम है। और पेशेंट जो है अपनी बैली में डिस्कम्फर्ट फील करता है, मतलब उसको हर टाइम बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, कुछ ना ऐसे लगता है उसको कि कुछ उसके पेट के अंदर है जो उसको तंग कर रहा है। और अगर तो हमारे ब्लड का कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को नहीं शो हुआ कि उसको हेपेटोमेगैली है, लेकिन उसको ये हो रहा है कि उसको ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी, हर टाइम ईचिंग होती रहती है, ख़ारिश होती है, उसको ऐसे लगता है जैसे वो फुल गर्म हो गया है, तो फिर हम उसका टेस्ट करवाते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि हमारा जो लीवर है ना वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं, जो ब्लड में टॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहे हैं, बाइल साल्ट्स भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो फिर इसको ब्लड के प्रॉब्लम्स ही हो जाते हैं और साथ पता चल जाते हैं कि हेपेटोमेगैली भी हो गई है। फिर ब्लॉटिंग भी फील होती है पेशेंट को, बताया ना कि एक लीवर अगर थोड़ा हो जाए डिस्टर्ब तो वो सारे फंक्शन जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, फिर हमें इंटेस्टाइनल ब्लॉटिंग वगैरह भी फील होती है, बाद स्प्लीन भी लार्ज हो जाती है। और फिर वो अगर इमरजेंसी कंडीशन हो, बहुत ज्यादा स्वेयर पेन हो रही हो, फीवर हो, और बहुत ज्यादा वॉमिट हो, ब्लड वॉमिट हो, पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही हो, ब्लैक कलर का स्टूल आए या स्टूल के साथ ब्लड आए, तो भी हेपेटोमेगैली स्वेयर कंडीशंस जो होती है ना हेपेटोमेगैली की, या उसके साथ कोई और डिजीज इन्वॉल्व हुई होती है, तो हम पेशेंट को इमरजेंसी वो कंडीशन होती है फिर फौरन से हॉस्पिटल ले जाते हैं। जी थैंक यू, यही था। Thank you so much, Dr. Amna Amjad, for joining us for your precious time you have given.